Okay, let us start with the next disease. Now we are left with DPT, tetanus, right? So tetanus ko alternate naam hai beta lockjaw disease. Lockjaw disease isliye bola jata hai kyunki isme jo jaw hota hai, specially iska main symptom hota hai beta neck and ye jo jaw hota hai ye lock ho jata hai. The patient is unable to open the mouth normally, right? So this is also called as lockjaw disease. Now what is the causative organism for tetanus? सबसे इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी. देखिए आपको पता है बेटा टिटैनस और टिटैनी में क्या डिफरेंस है. एक और टर्म होता है टिटैनी, टिटैनी आपको पता है ये टिटैनी जो होता है दिस इज लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स, राइट. सो टिटैनी अलग है, टिटैनस अलग है. टिटैनस क्या होता है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, राइट. नाउ ना इसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू वुंड्स, वुंड्स कटा हुआ है, लैसरेशन हो चुका है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से कट चुका है. इसमें अगर आपके बॉडी में स्पोर्स जा चुके हैं टिटैनस के, विच आर नॉर्मली फाउंड इन सॉइल एंड काउ डंग या फिर एनिमल वेस्ट में होता है. टिटैनस के मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दिखाई देंगे बेटा गांव वाले लोगों में. गांव के जो लोग होते हैं इनमें लैसरेशन हो जाना या फिर कट के सॉइल के थ्रू या फिर काउ डंग के थ्रू उनमें एक बैक्टीरिया चला जाता है, दिस इज क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी. अगर आप इस वक्त बेंच पे बैठे हुए हैं, किसी भी सरफेस पे बैठे हुए, बेड पे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इस ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया होते ही है. क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, स्पेशली ये फाउंड होता है बेटा सॉइल एंड आप बोल सकते हो एनिमल डंग में, ठीक है. नाउ व्हाट इज द टॉक्सिन रिलीज इन दिस बाय दिस बैक्टीरिया. ये एक बहुत पावरफुल टॉक्सिक रिलीज करता है बेटा जिसका नाम है टिटैनोस्पाज्मिन. ये टॉक्सिक है जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं टिटैनस के, ठीक है. नाउ व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टिटैनस, इट कैन बी बिटवीन 3 डेज टू 25 डेज, राइट. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टिटैनस. नाउ एज यू कैन सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टिटैनस, फीवर, हेडेक, लॉक जॉ. ये जो जॉ होती है वो लॉक हो जाती है. द पेशेंट इज अनेबल टू ओपन द माउथ नॉर्मली, राइट. ओके, नाउ इसमें नेक स्पाज्म भी होता है. इसमें ये वाला जो एरिया होता है नेक वाला, ये बहुत ज्यादा दुखने लगता है, राइट. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस टिटैनस लॉक जॉ डिजीज. इसमें सबसे पहले आपको बताया था मैंने डीपीटी टिटैनस इसमें इंक्लूड हो गया बेटा, एंड एंटी टिटैनस सीरम भी दे सकता है. आपको पता है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंटी टिटैनस सीरम. सो दिस वाज ऑल अबाउट टिटैनस डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटैनस. ये तीनों का वैक्सीनेशन देता है, दिया जाता है बच्चों में 6 महीने तक के बच्चों के लिए, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. थैंक यू सो मच. मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए. ये मेहनत है जो आपको ऊपर लेके जा सकती है, ठीक है. आपकी किस्मत आपको मौका देगी लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी, ठीक है. थैंक यू.